कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर विवादों में हैं और फिर उनको दूसरी पार्टियों ने निशाने पर ले लिया है। कभी उनका बयान, कभी उनका गलत शब्द बोलना, मीडिया की नजरें और अन्य पार्टियों का कटाक्ष ध्यान खींच ही लेता है। लेकिन इस बार विवाद उनके किसी बयान की वजह से नहीं है, ना ही किसी गलत शब्द की वजह से, बल्कि विवाद की वजह है उनके पपी का नाम। पपी के नाम की वजह से राहुल गांधी इस बार सुर्खियों में है। पपी का नाम नूरी रखने पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एतराज जताया है। आपको बता दें, पिछले दिनों राहुल गांधी गोवा दौरे पर थे और वहीं से एक पपी को अपने साथ लेकर आए थे और दिल्ली लौटकर वर्ल्ड एनिमल डे पर राहुल गांधी ने ये पपी अपनी माँ सोनिया गांधी को दे दिया। सोनिया गांधी का पपी के साथ में फोटो भी वायरल हुआ। ये पपी उनको काफी पसंद भी आया और उनके साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। परिवार ने इसका नाम नूरी रखा। अब इस नूरी नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इसे महिलाओं का अपमान बताया। AIMIM के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने कहा कि कुत्तों के नाम नूरी रखने जाने से इस्लाम धर्म की लाखों लड़कियों का अपमान हुआ है। आपको बता दें, नूरी नाम के इस पपी की नस्ल जैक रसेल टेरियर की है। राहुल गांधी ने ये शेड स्कैनर नाम के एक डॉग हाउस से लिया है, जिसे शर्वानी पित्रे नाम की एक महिला चलाती है। उनका पेट डॉग का काम है। कहा जाता है कि जैक रसेल टेरियर ब्रिटेन की एक मशहूर नस्ल है। इसका वजन 4 से 7 किलो तक ही रहता है और ऊंचाई तकरीबन 25 सेंटीमीटर होती है। ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी स्पेशली पेट डॉग खरीदने के लिए अगस्त में गोवा गए थे। उनको पपी बेहद पसंद है। पपी नूरी के फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। अब देखते हैं कि इस विवाद के बाद क्या राहुल गांधी अपने पपी का नाम बदलते हैं या नहीं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।